हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आप सबको, जैसे हम लोगों ने लास्ट ब्लॉग में बताया था आप सबको कि हम लोग जाने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए आगरा का ताजमहल घूमने। काफी दिनों से हम लोगों का प्लान बन रहा था कि कहीं घूमने जाएं, कहीं घूमने जाएं, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि आगरा चलते हैं, वहाँ पे देख लेंगे, एक दो जगह विजिट कर लेंगे। पहले आगरा का ताजमहल घूमेंगे, अगर फिर टाइम रहा, वैसे भी रिटर्न में आना पड़ेगा लौट के, तो एक हर जगह पे और घूम लेंगे। तो यहाँ पे मेरी, हम लोग हैं दीदी के बच्चे, मेरे बच्चे मम्मी, और वहाँ से मामी जी, मामी जी के बच्चे मम्मी, बरसा, सभी लोग, मतलब दोनों फैमिली जा रही है साथ में। तो पहले सुबह जल्दी निकलने की सोची थी, पर काम वाम किया, खाना वाना बनाया, तो लेट हो गए, अभी 9:30 बज रहे हैं, निकलते निकलते 10 बज जाएंगे। और मुरैना होके जाएंगे तो देखो पटियावाले बाबा के पास भी, मतलब धाम पे भी होते हुए निकलेंगे। दीदी ने साड़ी वेयर की है, मम्मी ने भी साड़ी वेयर की है, मैंने अकेला सूट पहना है। मैंने दीदी से बोला पर दीदी को फिट नहीं हुए मेरे सूट, और वो जे आ गए, देखो मम्मी है, जा 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 उस गाड़ी में, बूढ़े बूढ़े सर पांव में बैठो जाके। मम्मी मस्त लग रही, मस्त लग रही। माई आर यू ऑल्सो लुकिंग गुड मम्मा, प्रिटी मम्मा एंड प्रिटी मम्मी। देखो समदिन समदिन के काय मम्मी, जे देखो घांगरे घुंगरी पहन के आई है, जिन्हें देखो तुम जो 12 साल की बन के आई, पूरा टूरिस्ट वाला लुक लग रहा है मम्मी का, टूरिस्ट वाला लुक। नहीं वो साड़ी नहीं पहन पाती है हाथ के मारे, इसीलिए मम्मी को हमने ये सब कपड़े लेके रखे हैं। कहा जाइए, बच्चा तुम्हारे संग रहेगी, मम्मी तुम्हारे संग रहेंगी, मम्मी ने तुम जेल हम बरसा ले जा रहे हैं पैसे। तो पता है अभी हम लोग आगरा जा रहे थे, तो रस्ते में ही जो मुरैना साइड में पड़ता है पटिया वाले बाबा को, तो हमने सोचा कि यहाँ से जा ही रहे हैं तो दर्शन करते हुए जाएं। तो अभी हम लोग आ गए पटिया वाले बाबा के यहाँ पे। नहीं भाई उतार लेंगे, बहुत गर्म लगा दीदी, नए नए रिश्ते बनते हुए। जितने काले हैं और वो काले पूरा आगरा जाते जाते फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा, और बीच में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी। हम लोग पटियावाले पर रुके थे, वहां पर से सीधे एक दो जगह और रुके थे, फिर उसके बाद अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं अंदर। तो धूप के मारे देखो बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि 3 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और मेरी हालत देख ही सकते हो। ये देखो बहुत भयंकर धूप पड़ रही है, तो अभी चलते हैं सीधा अंदर। वो लोग उस वाले टेम्पो में जा रहे हैं, हम लोग इस वाले ऑटो में, क्या बोलते हैं, हम लोग पहले आए थे, पहले भी हो जा, मतलब आ चुके हैं, काफी टाइम बाद आ रहे हैं। परी छोटी थी जब आए थे, परी को लेके, परी को लेके आए। आप फर्स्ट टाइम आए हो दीदी, बरसा तो सेकंड टाइम है, पहली बार। इन लोगों ने देखो हेड खरीद लिए, परी ने, गुनगुन, नंदिनी, गोपेश, नितिन, सबने चश्मा खरीदे हैं, और क्या कहते हैं उसका कैप येलो कलर का है, मैंने भी हेड लगा, अच्छी लग रही है, भगवान कसम। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं सीधा अंदर की ओर, और चलो आ जाओ अंदर पे। हाँ चल, क्या कौन है, और देख सकते हैं यहाँ पे कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, इंतजार की घड़ी खत्म हुई थी। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ घूमने तो सिर्फ दीदी आई है, एकदम हम लोगों की हालत खराब हो गई, लेकिन जो दीदी है हमारी, चलिए साइड का कुछ नजारा ऐसा है, ये पहले भी आ चुकी हूँ मैं, सेम दिख रहा है सेम, ये पेड़ पौधे वगैरह बहुत अच्छी लगती थी, क्यूट लगती थी उस टाइम। धूप बहुत है पर से दिख रही है ताजमहल की झलक। चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं, दिख गया दिख गया दिख गया, मेरा रिएक्शन तो ऐसा हो रहा है जैसे मैं पहली बार आई हूँ, पर मैं यहाँ पे सेकंड बार आई हूँ।
क्या मतलब ये नजारा ही कुछ और है। ये ताजमहल का नजारा और धीरे धीरे जितना हम आगे बढ़ेंगे उसका पूरा आई लव लोकेशन बिल्कुल। इधर पहले एक बार मैं दिखा दूँ, दिखा देगा दीदी बताओ दीदी क्या बात है। बात ये है कि यहाँ का नजारा एक नंबर है और कितना सुंदर सा इस तरफ नजारे। पहले सब पानी होता था गर्मी की वजह से आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा और हम दोनों फोटो ताजमहल के बारे में क्या ही बताएं आप लोग देखते। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और सभी को पता ही है इसके बारे में, क्या ही बताओ आप लोगों को। सभी को पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सुंदर इसके बारे में भी पता, अगर गाइड करते तो इसके बारे में एक एक चीज़ बताता, बट हम लोग पहले आ चुके हैं तो हम लोगों को पता है, इसीलिए हम लोगों ने गाइड नहीं किया है क्योंकि हमको पता है कहाँ से जाना है और कौन सी चीज़ दिखानी है। तो आप लोग बस घूम लीजिए और इसके बारे में जानना है तो गूगल है उसके लिए। मैं तो धूप के मारे पूरा बेहाल हो चुकी हूँ इसीलिए मेरे सिर से हेड उतर ही नहीं रहा है, बहुत धूप पड़ रही है भाई। भाई साहब बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं ताजमहल के पास में और इसके ये देखो अभी पता हम लोग लौट के वहाँ गए थे क्योंकि हमारा फोटो शूट नहीं हो पाया, हमने थोड़े फोटो वोटो खिंचवाने थे और परी पापा आगे निकल आए थे। तो यहाँ पर देखो ये सामने लाल किला है, मतलब रेड कलर का बना हुआ है, मुझे इसका नाम नहीं पता है आप लोग देख लो। और यहाँ पे हमारा लोगों का वेट किया जा रहा है, हमारी फैमिली ये देखो ये क्या है, बंदरों से दूर रहे। और यहाँ पे मंकी हैं बना यार, ये देखो अंदर से कितना प्यारा बना हुआ है रेड कलर का। मैं चलो बहुत धूप पड़ रही है। कैसे यहाँ मम्मी? अरे जी पता जो कितना बड़ा लगा है और 35 फुट का ये जो लगा है ना ऊपर सबसे ऊपर वो ये लगा है, ये तो कुछ ताजमहल की चोटी में लगा हुआ है ना जो वो उसी का डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो पूरा 35 फुट का है। और आराम यहाँ पे देखो। हाँ अरे वहां से जाऊंगी यहाँ से उतर जाऊंगी मम्मी। सब बहुत धूप है, मन नहीं लग रहा है घूमने में। चलो इस साइड में थोड़ा सा दिखा दे। तो ये कौन सी क्या यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको ये पास में, यहाँ पे ब्लैक पत्थर से ताजमहल एक और बनवाया जाने वाला था। तो क्या कहते हैं तो उनके जो उसाज आके बेटे थे औरंगजेब, तो उन्होंने सोचा, मतलब मेरे को जितना पता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि मेरे को इतना पता भी नहीं है। मैं आज से 4-5 साल पहले आई थी जब गाइड किया था, तब उसने बताया था कि फिर उसके लड़के ने कैद वगैरह में कर दिया था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी शायद बर्बाद हो रही थी। आई डोंट नो जितना पता है उतना बता दिया, मुझे पता नहीं है, गूगल पर आप लोग सर्च कर लेना। पर यहाँ पर काले पत्थर से भी बना जाने वाला था एक और ताजमहल, वो कि बन नहीं पाया था। और यहाँ पर भी देखो आप लोग शायद कुछ काम चल रहा है फिर पहले के लगे हुए पता नहीं। और इधर एक देखो नदी है, ये इतना जब इसमें पानी आता है ना तो ये पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। और क्या कहते हैं यहाँ से ये जो बना हुआ है ना इसके अंदर महल है ना नीचे, क्या है कैद खाना है पता नहीं क्या है, नहीं कैद पता है कुछ तो है कैद। और क्या कहते हैं ये कौन सी नदी है परी पापा? यमुना जी है ये भाई बाबा मेरे। अभी इस साइड से हम लोग निकल रहे हैं, ये इसका पीछे वाली साइड से ऐसे ही निकल जाएंगे, उस साइड से जाके निकलेंगे। और देखो पानी लेके भी इंतजार कर रहे हैं। अंदर दिखाई
और सेम उस साइड भी है और सेम ऐसा ही इस साइड भी है, एक से ही बने हुए हैं ना, और बीच में ये ताजमहल बना हुआ है। तो इधर से पता घूम के हम लोग आ गए हैं अब इस साइड में, और इधर भी दीवारें और महल काफी बने हुए हैं, पर इतने ज्यादा थक गए। गार्डन भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। पता कभी भी अगर आप लोग आए हो ना, तो गर्मियों में या फिर बारिश के मौसम में आना, सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में आना, कभी भी गर्मियों में तो आना ही नहीं, भूल के नहीं आना इस साइड में भाई। गर्मी की हमारी हालत ही इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मन ही नहीं करता फिर घूमने का बिल्कुल भी, हालत बहुत ज्यादा। और बच्चों के साथ में अगर आ रहे हो तो फिर सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही आना, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि काफी बड़ा है घूमने के लिए। और सुंदर तो बहुत है, या तो शाम को आओ, पास में हम लोग तो ग्वालियर से आए तो दूर पड़ जाता है। चलो मैं और मेरी मामी रह गए हैं पीछे। यहाँ से पूरा कितना मस्त लग रहा है पूरा व्यू, देखो बीच में एक गार्डन है, इसमें अलाउड नहीं है, वरना हम लोग बैठते कुछ देर तक यहाँ पे। और चलो अब घर पे चलते हैं, हम लोगों ने काफी फोटो शूट करवा लिया यहाँ का, बढ़िया निकल आएंगे जी। बताना उसने भेज दिए, हम लोगों ने फोटो शूट करवाए पर फोटो नहीं बनवाए क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं था, और भूख भी काफी ज्यादा लग रही है, तो मोबाइल में उसने दे दिए, उनने दे दिए जो फोटोग्राफर थे। तो हम लोग जाके घर मतलब उधर निकलवा लेंगे पास में ही से, और काफी घूम लिया है अभी, अब चल रहे हैं सीधा घर पे क्योंकि बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, परी की इतनी ज्यादा। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, और देखो अभी शाम के टाइम सही घूमने लगे, देखो परी बते, ये देखो परी के हाथ में क्या हो गया है। चलो बाद में जब बन जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। चलो तो देखो यहाँ पर ये जिम है, इसमें लाइट जलती है। चलो अबे चलो एवरीवन। सो पता ही बज रहे हैं रात के 8:30 or 9:30। तो आज का सीन ना बहुत गंदा वाला हो गया, हम लोग पता घर से खाना पैक करके लाए थे और हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि किसी को इतनी ज्यादा भूख नहीं लगाई थी, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो जब खाने के लिए बैठे 7 बजे तो पूरा खाना खराब हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो हमें मिल गया इतना गंदा वाला ट्रैफिक, तो किसी गांव में से गाड़ी घूम के आई है, तो इतना घूम घूम के 9 बज चले हैं। तो यहाँ पे कोई ये रेस्टोरेंट है, ढाबा है, तो यहाँ पे बैठे हम सब लोग खाने के लिए, और मामी जी की तो इतनी बुरी हालत हो गई है उन्हें यहाँ कर करके कि हम लोग खाएंगे खाना। हमारी सिर्फ पूड़ियाँ सलामत बची हैं क्योंकि पूड़ियाँ बेसन वगैरह डाल के बनाई थी तो वो खराब नहीं हुई है, बाकी सारा खाना पुलाव, मम्मी ने जीरा राइस बनाए थे पूरे घी में, इतने बढ़िया कुछ भी खाना नहीं खाया, बस ये कि वैसे थोड़ा बहुत हम लोग लेके आए थे वो खा लिया था, थोड़ा बहुत बाहर से खा लिया था और खाना नहीं खाया था। कैसे मम्मी तुम खूबे अच्छे लग रहे हैं, अब ताजमहल के अंदर गए थे हमें तब तो सकल के 12 बज गए थे तुम्हारे, अब तो सही लग रही हो। और दीदी देखो हमारी फैमिली, नहीं खाना नहीं खानी नहीं।